Assalamu alaikum, I am Adnan Shuaib, faculty member at CompCert Institute of Information Technology, and today is our lecture number 11 regarding the course Risk Management and Insurance, FNC 710. Today we are going to start something new that is related to insurance companies. Now, see, our things are moving towards insurance companies. How do insurance companies work, how do their overall valuations are coming? So, insurance companies, today we will see operations. How insurance companies operate, how do insurance companies operate, and how do their operations develop? कि जिस तरह से भी इनके ऑपरेशंस डेवलप हो रहे होते हैं हम उसी को साथ लेके चल रहे होते हैं कि हाँ जी ये इंश्योरेंस कंपनीज वुड बी डेवलप्ड लाइक दैट कि हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज डेवलप होती जा रही हैं सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेशंस सो दैट मींस कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट in an actual manner, किस तरह से insurance companies develop होती हैं? अभी तक हमने हर तरह से देखा है कि risk कैसे develop हो रहा है, expected losses क्या हैं, किस तरह से develop हो रहे हैं, कैसे सामने आते हैं, और उसी तरह देखा है कि हमने insurance company के operations को किस तरह से हमने आगे लेकर चलना है। यानी now we are done with the risk management and we are now moving towards the insurance companies। आपने एक और सी चीज़ देखी होगी, हमारा lecture alternate basis पे चल रहा है, कि एक lecture में we are totally talking about risk and insurance and second lecture we are talking about insurances यानी कि एक जगह पे हम law and regulations legal regulations की बात कर रहे होते हैं एक lecture में और उससे पहले वाले lectures में हम उसकी working की बात कर रहे होते हैं यानी in this manner we are going to use it both cases as a risk management को भी हम deal कर रहे हैं और साथ ही हम insurance को भी deal कर रहे हैं कि insurance कैसे और किस तरह से हमारे सामने नजर आएगी और किस तरह से हमारे पास insurance develop होती है so when we are talking about the lecture 11 so that means we are talking about the insurance company operations so starting with the topic first we go with the objectives के objectives हमारे पास क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रेटिंग इंश्योरेंस कंपनी किस रेट की रेटिंग्स क्या होती हैं वो हर चीज या हर पॉलिसी या हर इंडिविजुअल क्लाइंट को कैसे रेट करते हैं किन बेसिस पे रेट करते हैं और कैसे रेट करते हैं और उन रेट को किस तरह से मेक किया जाता है दैट इज नोन टू बी एज अ रेट मेकिंग क्या कहते हैं उसे हम कि रेट मेकिंग है कि रेट हम उसे किस तरह से डेवलप करते हैं सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज द अंडर राइटिंग की क्या सिचुएशन है किन केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज अंडरराइट करती हैं और किन सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनीज अंडरराइट नहीं करती हैं सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि अंडरराइटिंग में क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व हैं देन वी आर गोइंग टू सी प्रोडक्शन नाउ दैट इज समथिंग न्यू कि हां इंश्योरेंस कंपनी में प्रोडक्शन कहां से आ गई नाउ दैट इज समथिंग न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शंस कि प्रोडक्शन क्या है प्रोडक्शन मींस पॉलिसी प्रोडक्शंस ये पॉलिसी की प्रोडक्शंस कैसे आ रही हैं किस तरह से सामने आ रही हैं देन क्लेम्स अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं उन क्लेम्स की सेटलमेंट कैसे और किस तरह से हमने करनी है हाउ वी आर गोइंग टू सेटल दैट क्लेम्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू सेटल दैट क्लेमेंट्स कि क्लेम्स को हम लोग कैसे और किस तरह से सेटल आउट करते हैं Then we have a new thing that is reinsurance. क्या चीज़ आ रही है हमारे पास? Reinsurance आ रही है कि reinsurance अगर हमने एक insurance जो expire हो गई है, that we are going to do with the reinsurance. कि हमने उसके बाद क्या करनी हो? Reinsurance करनी हो तो याद रखिएगा वहाँ पे हमारे पास इसमें वो भी देखना है कि reinsurances किस तरह से और कैसे involve होती हैं. And the other thing that we require is the investments. अब ये ऑपरेशंस किसके इंश्योरेंस के तो इंश्योरेंस को जो हम प्रीमियम दे रहे होते हैं वो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी कहां यूज कर रही होती है और कैसे यूज कर रही होती है दैट वी आर गोइंग टू सी कि उसमें हमारे पास री इंश्योरेंस का क्या लिंकअप्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स उसमें कैसे आ सकते हैं यानी कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट प्रीमियम एट समवेयर और उसमें से रिटर्न्स दैट दे आर गोइंग टू अर्न यानी उसमें से हम क्या करते हैं रिटर्न्स को अर्न कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतने रिटर्न्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और इतने रिटर्न्स हमारे पास होने चाहिए Now first we are talking about rating and rate making. कि rates कैसे बनाए जाते हैं और rate making कैसे की जाती है? How we are going to rate the things and how we are going to rate making would be done. कि किस तरह से हम rate को make कर रहे हैं और किस तरह से उसे किया जा रहा है तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेट मेकिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कि रेट मेकिंग का मतलब क्या है कि हमने एक इंश्योरेंस की प्राइस कैसे सेट करनी है और क्या कैलकुलेशंस चाहिए फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम कि हमने कहा जी ये सपोज 10 करोड़ की एक इंश्योरेंस है अब इसका प्रीमियम हमने कितना और कैसे चार्ज कर रहे हैं यानी हाउ वी आर गोइंग टू चार्ज द प्रीमियम और उस प्रीमियम को हमने कैसे और किस तरह से चार्ज करके आगे लेकर आना है दैट मींस हाउ वी आर गोइंग टू चार्ज और प्राइस द इंश्योरेंस एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द
प्रीमियम, ये प्रीमियम कैसे और किस तरह से चार्ज होगा और किस तरह से चार्ज होकर हमारे सामने आएगा, दैट हाउ वी आर गोइंग टू चार्ज द प्रीमियम. अब रेट इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस. अब रेट क्या है, प्राइस पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस, के व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच इंश्योरेंस पॉलिसी, के हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की प्राइस कैसे और किस तरह से मैंने सेट करनी है और किस तरह से वो सेट होके आगे चलेगा. दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस, के पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस में क्या चीजें आ रही है. एंड एक्सपोजर यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एक्सपोजर यूनिट क्या है, इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमारे पास देयर इज एक्सपोजर यूनिट्स एंड देयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि जितना हमारे पास लॉस की एक्सपेक्टेशंस है. लास्ट टाइम मैंने बात कहा था द यूनिट्स दैट आर एक्सपोज्ड टू risk is known to be as exposure units. कि उसे हम क्या कहेंगे, that is known to be as our exposure units. The exposure unit is a unit of measurement used in the insurance pricing. अब मैं कहूँ life insurance, तो exposure unit क्या है, बंदा, person. तो इसका मतलब है कितने persons हैं, 10% है, 20% है, या whatsoever, जितने भी हैं, तो that means कि we are talking about the exposure units. कि हमारे पास exposure units भी इसमें involve हो रहे हैं. तो इसका मतलब है premium कैसे charge होगा, rate into exposure units. कि हम कहेंगे कि क्या रेट आ रहा है और इसका हम लोग एक्सपोजर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 10% की इंश्योरेंस है, 20% की इंश्योरेंस है, कितने परसेंट पे इंश्योरेंस है. तो रेट इनटू एक्सपोजर यूनिट्स, कि जितना हमारे पास रेट है उसी के हिसाब से हम इसका एक्सपोजर यूनिट्स चार्ज करेंगे और एक्सपोजर यूनिट्स उसी के हिसाब से हम रखेंगे. नेक्स्ट थिंग, टोटल प्रीमियम चार्ज मस्ट बी एडिक्वेट. जितने प्रीमियम चार्ज किए दैट मस्ट बी एडिक्वेट फॉर पेइंग ऑल क्लेम्स एंड एक्सपेंसेस. यानी जितना भी टोटल प्रीमियम है वो इतना होना चाहिए दैट इट कुड पे ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड पॉलिसी पीरियड, के सारे के सारे वो एक्सपेंसेस कंप्लीट कर सके ओवर द पॉलिसी पीरियड. जैसे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पॉलिसी ऑफ पीरियड, के जितने पॉलिसी है, सपोज आप कहते हैं 3 साल की लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपका प्रीमियम इतना हो जो उस 3 साल के सारे एक्सपेंसेस को कवर अप कर रहा हो, यानी हर तरह से उस एक्सपेंसेस को आप रिकवर कर रहे हो. यानी एक्सपेंसेस कुड बी रिकवर्ड एंड बाय ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, पॉलिसी पीरियड के दौरान आपके एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए, रिकवर होने चाहिए, और रिकवर होने के बाद ही हमारे पास आने चाहिए कि हमारे पास इतनी हमारे पास पॉलिसी पीरियड में हमारे पास क्लेम्स एंड एक्सपेंसेस सामने नजर आ रहे हैं. रेट्स एंड प्रीमियम आर डिटरमिन्ड बाय एक्चुअरी. अब यहां पे क्या, रेट्स एंड प्रीमियम आर डिटरमिन्ड बाय एक्चुअरी यूजिंग द कंपनीज पास्ट लॉस एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स. यानी कि रेट एंड प्रीमियम कैसे डिसाइड होते हैं, बाय द कंपनी एक्चुअरी, के जो कंपनी की एक्चुअरी है और कंपनी के पास लॉस एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स क्या हैं. यानी कि व्हाट इज द पास लॉस एक्सपीरियंसेस ऑफ अ कंपनी और इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही है कि हमारे पास कितना लॉस कैसे जनरेट हो रहा है, यानी हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट द लॉस और उस लॉस को हम लोग कैसे लेकर आगे चलेंगे. तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज पास लॉस एक्सपीरियंस. किसकी बात करें हम, पास लॉसेस एक्सपीरियंस कितना है, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि उस इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही हैं और किस तरह से आगे लेके चल रही है. तो दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ रेट, कि रेट हमें कैसे मिलना है, दैट इज प्रीमियम रेट इनटू एक्सपोजर यूनिट. क्या मिलना है, रेट इनटू एक्सपोजर यूनिट दैट इज इक्वल्स टू प्रीमियम. क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज आर प्रीमियम, कि ये हमारा प्रीमियम है और प्रीमियम उसी के हिसाब से आ रहा है, दैट इज रेट इनटू एक्सपोजर यूनिट. क्या आ रहा है यहां पे, रेट इनटू एक्सपोजर यूनिट, कि हमारा इतना रेट है और इसी के हिसाब से हमारे पास एक्सपोजर यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो दैट मींस रेट इनटू एक्सपोजर यूनिट्स, कि हमारा इतना एक्सपोजर है और इतना हमारे पास रेट एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मींस दैट इज आर एक्सपोजर्स ऑफ अ यूनिट्स, कि इतना हमारे पास यूनिट्स एक्सपोजर एग्जिस्ट कर रहा है. Now the thing we are coming towards is the underwriting. Underwriting कई तरह की होती है, sometimes bank underwriting होती है. Underwriting के दो तरह की हम लोग concept लेके आते हैं. एक तो होता है underwriting हमारे पास with respect to insurance, किसके related होता है, with respect to insurance, and other underwriting is also related to with respect to banks, के banks में हमारे पास underwriting क्या आ रही है और किस तरह से हमारे पास underwritings एग्जिस्ट कर रही है. तो दैट इज अंडरराइटिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड अंडरराइटिंग रिलेटेड टू बैंक्स, कि हमारे पास जितनी भी अंडरराइटिंग है दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड अंडरराइटिंग्स आर आल्सो बीइंग रिलेटेड टू बैंक्स, कि हमारे पास इंश्योरेंस से भी रिलेटेड आ रही है और बैंक्स से भी रिलेटेड आ रही है. बोथ केसेस में आ रही है कि दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ इंश्योरेंस इज देयर एंड अंडरराइटिंग ऑफ बैंक्स आर आल्सो बीइंग देयर, कि इंश्योरेंस भी यहीं पे है और बैंक भी यहीं पे है. अंडरराइटिंग refers to the process of selecting, classifying and pricing applicants for insurance. यानी underwriting क्या होती है? refers to the process of selecting, classifying and pricing applicants for insurance.
देखें, जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो वी रिक्वायर अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस टू इवेल्युएट दैट कैंडिडेट और दैट क्लाइंट, कि हमने उसे कितना देना है और कितना हमने पे आउट करना है और कितने की उसे इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है. जरूरी नहीं कि जो लाइफ इंश्योरेंस या किसी टाइप की भी इंश्योरेंस जो 30 ईयर्स ऑफ एज पर्सन को दी जाए, वही इंश्योरेंस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द पर्सन विद द एज ऑफ 60, यानी 30 साल वाला और 60 साल वाला बराबर की इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस रेट को सामने रख के नहीं चलेंगे कि दैट इज नॉट बीइंग इन दिस फॉर्म, कि हम कहेंगे वो एक तरह से हैं और दोनों सेम तरीके से ही डील कर रहे हैं. तो अंडर राइटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, क्लासीफाइंग एंड प्राइसिंग एप्लीकेंट्स. क्या हो गए, सिलेक्टिंग, another one is the classifying, यानी select भी हो रहा है and classify भी हो रहा है and price भी कर रहे हैं, यानी आपने पहले उसे select करना है कि हाँ जी ये client है, उसके बाद classify करना है कि ये high risk category में आ रहा है, low risk category में आ रहा है या mediocre risk category में आ रहा है, किस तरह के risk category में आ रहा है. और अगर वो high risk में, तो definitely premiums high होंगे. अगर वो मीडियम रिस्क में आ रहा है, तो डेफिनेटली उससे प्रीमियम हाई से लो होंगे. और लो रिस्क में आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके प्रीमियम डेफिनेटली बहुत लो होने, यानी हमें नजर आएगा कि हाँ जी इतने प्रीमियम्स हमारे पास लो हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड प्राइसिंग एप्लीकेंट्स फॉर इंश्योरेंस, कि प्राइसिंग ऑफ एप्लीकेंट कर रहे हैं दैट इज फॉर द इंश्योरेंस पर्पस. द स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटिंग पॉलिसी, एस्टैब्लिश पॉलिसी दैट आर कंसिस्टेंट विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव सच एज एक्सेप्टेबल क्लॉज ऑफ बिजनेस. क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्सेप्टेबल क्लॉज ऑफ बिजनेस, के हमारे पास एक्सेप्टेबल क्लॉज ऑफ बिजनेस इतना है और इतने ही के साथ ही हम आगे लेकर चल रहे. तो द स्टेटमेंट ऑफ अंडर राइटिंग पॉलिसी, एस्टैब्लिश पॉलिसी, अब ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी, ये पॉलिसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं दैट आर कंसिस्टेंट विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कि ऐसी पॉलिसी हो जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो. और जब वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड होगी, दैट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेप्टेबल क्लासेस ऑफ बिजनेस, यानी हर तरह की कौन कौन सी बिजनेस क्लासेस को यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस दैट कैन बी रिटर्न, कि कौन सी बिजनेस क्लास में आ रही है और किस तरह की इंश्योरेंस हम लोग दैट कैन बी रिटर्न, कि उस तरह की इंश्योरेंस हमारे पास वी कैन राइट इट और उस तरह की इंश्योरेंस को हम यूज भी कर सकते हैं, कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कि हमारे पास इस टाइप की इंश्योरेंस है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है. तो द स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटिंग पॉलिसी, एस्टैब्लिश पॉलिसीज दैट आर कंसिस्टेंट विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, किससे कंसिस्टेंट है वो, दैट इज कंसिस्टेंट विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव सच एज acceptable classes of business, क्या आ रही है यहाँ पे, acceptable classes of business, amount of insurance that can be written, कि जो amount of insurance है that can be written. The line underwriter makes daily decisions concerning the acceptance or rejection of business, कि line underwriter क्या हो गया, makes daily decision concerning to acceptance and rejection of a business, कि acceptance and rejection के वो daily basis पे आपके पास decisions कर रहा होगा कि कैसे हमने किस चीज को आगे लेकर चलना है, how we are going to accept it and how we are going to reject it. Now underwriting hum further aage leke jaate hain. The primary objective of underwriting is to attain an underwriting profit, yani primary objective kya hoga underwriting ka, ki underwriting ka ki to attain underwriting profit, ki underwriting ka hum profit lekar aaye, ki yani ki importance principle of underwriting. The second principle is to select the prospective insured according to the company's underwriting standard, yani the second principle kya hoga, to select the prospective insured, ki kya kare hum, select kare prospective insured ko according to the company's underwriting standards, according to company's underwriting standards mein unko samne rakhte hue aage chale. The second jo principle hai ki yani ki humne prospective insured jo hai wo company's underwriting standard ke andar lie karna chahiye, yani unke standards mein variations nahi aani chahiye, yani variations agar aayi to there would be an issue ke usko hum logo ne kis tarah se variate karke आगे लेकर आना है, किस तरह से हमने स्टैंड में लेके आना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं यहां पे किसी एक पर्सन है, एक पर्सन जाता है 60 इयर्स एज है और आपको कहता है लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, आपको कहते हो ठीक है दैट्स फाइन, वो कहता है साथ ही मुझे कैंसर भी है. नाउ व्हाट डज दैट मीन, कि यहां पे आप कहते हो जी ठीक है जी, यहां पे 60 इयर्स भी है, कैंसर भी है, तो दैट मींस के वो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं आ रहा, कि उन्हें पता है कि दैट वुड बी द देयर वुड बी अ लॉस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एट एनी टाइम, किसी टाइम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वी से एनी बिजनेस इन विच देयर इज अ फायरवर्क्स आर बीइंग इन्वॉल्वड एंड यू रिक्वायर इंश्योरेंस, डेफिनेटली उसकी इंश्योरेंस ऑन अ रिस्कियर नोट एट हायर रेट होगी एज कंपेयर्ड टू अदर इंश्योरेंसेस, कि बाकी इंश्योरेंस से कंपेयर्ड उसकी इंश्योरेंस हायर रेट पे होगी और हायर साइड पे उसकी इंश्योरेंसेस आगे लेकर चलेंगे, दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर एट अ हायर साइड, के हायर साइड पे से इंश्योर कर रहे होंगे. सो दैट मींस दैट गोज विद द इंश्योरेंस, कि जिस तरह से वो हायर साइड पे इंश्योरेंसेस हमारे सामने
आती जाएंगी. द पर्पज ऑफ अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड इज टू रिड्यूस एडवर्स सिलेक्शन. अच्छा, अंडर राइटिंग का मकसद क्या होता है? कि एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड्स को रोकें. एडवर्स सिलेक्शन क्या है कि आप इस देखिए, अंडर राइटर का एक्चुअल पर्पज क्या है? टू स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरीथिंग, कि हर तरह की चीज को हम स्क्रूटनाइज करें. और जब हर तरह की चीज को हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं तो वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि हमने उसे किस तरह से स्क्रूटनी करके आगे लेकर चलना है. मीन्स वी आर गोइंग टू स्क्रूटनाइज एवरीथिंग. क्या उसके फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू सी अ सर्टेन इंश्योरेंस ऑफ अ मशीन, आप कहते हो अच्छा मशीनरी कितनी लाइफ है, हाउ मच देयर गॉट बी टू बी डिसडेप्रिसिएटेड, कितनी डेप्रिसिएट हो चुकी है, कितनी ज्यादा उसकी अभी लाइफ बाकी है, कितने ईयर्स उसकी अभी रिकवरी रहती है, कितना काम करती है, एफिशिएंसी क्या है, और इसके खराब या कंप्लीट डिसोल्यूट होने के कितने चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो दैट मींस अगर मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और ये इंफॉर्मेशन ओनर के पास है, वो इंश्योरेंस करा लेता है, तो डेफिनेटली वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एडवर्स सिलेक्शन आ जाएगी. या आपके पास सिलेक्शन ठीक चीज की नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो किसी की लाइफ ऑलमोस्ट एंड हो रही है और वो डेंजरस भी है कि किसी टाइम भी वो डिस्ट्रॉय हो सकती है एनी इक्विपमेंट, तो डेफिनेटली अगर आपने उसकी हायर एंड लोअर रेट पे इंश्योरेंस की है तो आपको लॉसेस अंडरस्टूड हैं कि होंगे, क्योंकि लॉसेज आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन देम. जितने लॉसेज हो रहे होंगे वो आपको नजर आ रहे होंगे कि हाँ जी इतने लॉसेज हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और इतने हमें लॉसेज जो है हमें क्लियर होकर सामने नजर आ रहे हैं. सो दैट मीन्स एडवर्स सिलेक्शन इसको अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पे अंडरराइटिंग को यूज किया जाता है, ताकि हमारे पास एडवर्स सिलेक्शन ना आए और एडवर्स सिलेक्शन से हम लोग बचे रहें, या वी वुड से कि हमारे वी वुड रिड्यूस आवर सेल्फ फ्रॉम द अंडरराइटिंग, के अंडरराइटिंग से हम उसे क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो. Then moving towards the adverse selection is the tendency of a people. अब क्या है adverse selection? क्या है जी? That is tendency of the people of higher than average chance of loss to seek insurance. यानी adverse selection क्या है? Tendency of a people with higher than average chance of loss to seek insurance at a standard rate. यानी कि जब आपको पता है कि riskier insurance है, riskier conditions है, तो understood सी बात है कि it is not controlled by underwriting. This will result in an higher than expected loss level. कि higher than expected loss level के अंदर ये exist कर रहा है कि यानी हमारे पास इतना expected loss level हमारे पास नजर आ रहा है कि ये हमारे पास लॉस लेवल्स आ रहे हैं और इतने लॉस लेवल हमारे पास एक्जिस्ट कर रहे हैं. नहीं, दैट इज द आर लॉस लेवल्स, कि यानी कि आप वो चीज सिलेक्ट कर लें जिसमें आपको पता है ज्यादा लॉस है लेकिन आप उसे कम रेट पे सिलेक्ट कर लें. दैट इज नोन टू बी एज आर एडवर्स सिलेक्शन. क्या कहते हैं उसे हम? एडवर्स सिलेक्शन है. इज द टेंडेंसी ऑफ अ पीपल विद हायर देन एवरेज चांस टू ऑफ लॉस टू मेक इंश्योरेंस एट अ स्टैंडर्ड रेट इफ नॉट कंट्रोल्ड बाय अंडरराइटिंग, दिस विल रिजल्ट इन हायर देन एक्सपेक्टेड लॉस लेवल. यानी ये किस में रिजल्ट करता है? दैट इज हायर देन एक्सपेक्टेड लॉस लेवल. की एक्सपेक्टेड लॉस लेवल से थोड़ा सा हायर साइड पे आ रहा है, थोड़ा सा ग्रेटर साइड पे आ रहा है कि हमारे पास लॉस लेवल और तरह का है और डिफरेंट लॉस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं. अंडरराइटिंग शुड आल्सो मेंटेन इक्विटी अमंग पॉलिसी होल्डर. यानी अंडरराइटर ने क्या करना है? शुड आल्सो मेंटेन इक्विटी अमंग पॉलिसी होल्डर. ये पॉलिसी होल्डर्स के बीच में वो उसकी इक्विटी को मेंटेन कर रहा होता है, यानी इक्विटीज को वहां पे अटेन कर रहा होता है और इक्विटीज को उसी के हिसाब से आगे लेकर चल रहा होता है. अंडरराइटिंग शुड मेंटेन इक्विटी, कि वो मेंटेन करे इक्विटी को अमंग द पॉलिसी होल्डर, कि पॉलिसी होल्डर्स के साथ साथ वो इक्विटीज को भी मेंटेन करे, कि दैट इज हाउ मच द इक्विटी इज, और उसी इक्विटी के साथ वो आगे लेकर उसे चले, कि दैट इज द इक्विटी दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड, और उसी इक्विटी के साथ वो आगे लेकर उसे जा रहा हो. ठीक है ना. वन ग्रुप ऑफ पॉलिसी होल्डर शुड नॉट अनड्यूली सब्सिडाइज द अनदर ग्रुप. यानी ये क्या मतलब है कि underwriting should also maintain equity among policy, ताकि वहां पे हमारे पास पॉलिसी होल्डर शुड नॉट अनड्यूली सब्सिडाइज द अदर ग्रुप, यानी कि दूसरे ग्रुप को अनयूजुअल तौर पे सब्सिडाइज ना कर रहा हो, यानी कम ना कर रहा हो, यानी उसे रिड्यूस ना कर रहा हो. तो दैट मीन्स कि वहां पे अनड्यूली सब्सिडाइज अनदर ग्रुप, के दूसरे ग्रुप को कहीं अनड्यूली सब्सिडाइज तो नहीं कर रहा, कि अनड्यूली सब्सिडाइज नजर आ रहा हो और उसमें हम लोगों के पास सब्सिडाइजिंग में डिफरेंसिएशंस आ रही हूं. सो दैट मीन पॉलिसी होल्डर शुड नॉट अनड्यूली सब्सिडाइज अनदर ग्रुप, कि किसी और ग्रुप को वो अनड्यूली सब्सिडाइज ना कर रहा हो, यानी देयर शुड नॉट बी एनी अनसब्सिडाइज आइटम्स, के हम कहेंगे अनसब्सिडाइज वैल्यूज आ रही है. सो दैट इज अबाउट द अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग हमारे पास इस तरह से मूव कर रही है और इसी की बेस पे हमने उसे लेकर आगे चलना है. Now we are moving towards the further underwriting. Underwriting starts with the agent in the field. किससे start होता है? Agent in the field. कि हमारे पास एक एजेंट होता है, that is on the field. जिसका काम क्या होता है कि वो actual information, actual conditions, actual presence को identify करे. कि what would be the actual presences that are involved. So underwriting starts with the agent in the field. कि जितने भी agents हैं, उनकी field के हिसाब से underwriting start हो रही है. और underwriting उसी के हिसाब से start होके हमारे पास agents आ रहे हैं in the field.
इंफॉर्मेशन ऑन अंडरराइटिंग क्या आ रही है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन फॉर अंडरराइटिंग कम फ्रॉम द एप्लीकेंट्स द एजेंट्स रिपोर्ट्स द इंस्पेक्शन एंड फिजिकल इंस्पेक्शन. यानी इंफॉर्मेशन अंडरराइटिंग के पास कहाँ कहाँ से आ रही है, एप्लीकेशन. पहले तो आपने फॉर्म फिल किया जिसमें हमने कंप्लीट अपना प्रोफाइल लिखा, या हमारे पास ये दैट इज योर प्रोफाइल नेम एंड ऐसी एक्सेट्रा, दैट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन. द एजेंट्स रिपोर्ट्स, एजेंट्स की क्या रिपोर्ट है, दैट इज दैट मींस कि हमारे पास एजेंट्स जो हैं वो उस तरह में वेरीड आ रहे हैं कि एजेंट्स आपके छोड़े के होते हैं एजेंट्स, जिसमें वो क्या करते हैं, वो इसके वो इंफॉर्मेशन की तरफ लेके जाते हैं जो इस अभी नहीं पता इन्हें, जो इन्फॉर्मेशन अभी इन्हें नहीं पता. और थर्ड चीज क्या है, एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट. क्या चीज आ गई है हमारे पास, एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, के हमारे पास इंस्पेक्शन हो के क्या जो कुछ बताया गया है, इज इट लाइक दैट, यानी जिस तरह बताया गया क्या वैसे ही है वो, या इसमें कोई चेंजेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, यानी कोई भी चेंजेस आ रही होंगी, तो दैट मींस दैट इज रिलेटेड टू इंस्पेक्शन रिपोर्ट. फिजिकल इंस्पेक्शन आती है कि फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे क्या जो चीज इसने बताई है क्या वो अपनी जगह पे ही है या नहीं है, या वो डिफरेंट लेवल पे है, यानी वो किसी और जगह पे है या उसी इंस्पेक्शन पे एग्जिस्ट कर रही है. द फिजिकल एग्जामिनेशन क्या आ गया यहाँ पे, अब फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अटेंडिंग फिजिशियन रिपोर्ट्स, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे एंड साथ साथ फिजिशियन रिपोर्ट भी होगी. व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, के लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा वहां पे दोनों चीजें, फिजिकल एग्जामिनेशंस भी आ जाएंगी और अटेंडिंग फिजिशियन रिपोर्ट्स भी हैं कि कितनी फिजिशियन रिपोर्ट्स हैं और उसी के हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशंस भी एग्जिस्ट कर रही है. देन देयर एग्जिस्ट एमआईबी रिपोर्ट्स. क्या एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, एमआईबी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास मेडिकल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट भी आ गई कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्लियर हो इन केस ऑफ मेडिकल या इंश्योरेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. आफ्टर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन द अंडरराइटर कैन एक्सेप्ट द एप्लीकेशन. क्या करेगा वो, एक्सेप्ट कर लेगा और वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा विद सर्टन रिस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशंस की. ये चांसेस भी हैं कि वो उसे सर्टन रिस्ट्रिक्शंस या सर्टन मॉडिफिकेशंस के साथ साथ उसे एक्सेप्ट करे, यानी विद द रिस्ट्रिक्शंस और विद द मॉडिफिकेशंस ये वहां पे चल रहा हो और उसी के हिसाब से हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस या मॉडिफिकेशंस आ रही हैं. और मे बी रिजेक्ट द एप्लीकेशन, से क्या कर सकता है यहाँ पे, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस की तरफ भी लेकर जा सकता है कि ये हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हो गई हैं, दैट इज बीइंग रिजेक्टेड, के वहां पे हमारे पास एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर्म में आ रही है. दैट मींस कि यहां पे हमारे पास या तो एक्सेप्ट करे सर्टन कंडीशंस के साथ या वो इसे प्रॉपरली रिजेक्ट करे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्रोडक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, प्रोडक्शंस की तरफ भी जाएंगे कि प्रोडक्शंस कैसे और किस तरह से हमारे सामने आ रही हैं. प्रोडक्शन रेफर्स टू द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ इंश्योरेंस, कि किसकी तरफ आ रही है, प्रोडक्शन रेफर्स टू द सेल एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंश्योरेंस, की सेल एक्टिविटी क्या होगी एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंश्योरर क्या होगी और उनकी हमने मार्केटिंग एक्टिविटीज को किस तरह लेकर आगे चलना है. तो दैट मीन्स सेल्स रेफर्स टू द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंश्योरर, के मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंश्योरर क्या है एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी मेजर्ड इन द सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स हमने किस तरह से मेजर करना है. एजेंट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोड्यूसर्स, क्या कहते हैं उसे हम, ये देखें अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, एजेंट्स आर नॉर्मल नोन टू बी एज अ प्रोड्यूसर्स. लाइफ इंश्योरेंस हैज एन एजेंसी और अ सेल्स डिपार्टमेंट, उनके पास क्या हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ इंश्योरेंस कितनी हैं वो सारी क्या कहलाएंगी, दैट इज प्रोडक्शन. एजेंट्स क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर्स. लाइफ इंश्योरेंस में डिपार्टमेंट सेल्स का होता है एंड प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी इंश्योरर हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, यानी प्रॉपर्टी और लायबिलिटी इंश्योरेंस के पास क्या चीज होती है, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कि उनके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. दैट मींस प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी इंश्योरर हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, कि उनके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स. द एजेंट शुड बी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, एजेंट्स क्या होंगे, दैट शुड बी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल विद अ हायर डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी एजेंट्स जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं, कि यानी कॉम्पिटेंट लोग हैं, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हैं विद हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज, की क्या चीज होती है उनके पास, हायर डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज, और उनको पता होता है कि हमें क्या क्या टेक्निकलिटीज रिक्वायर्ड है व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमें ये चीजें इसको सामने रख के आगे चलना है. तो द एजेंट शुड बी अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल विद अ हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज, क्या चीज आती है हमारे पास, हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसकी बात कर रहे हैं, इन अ पर्टिकुलर एरिया उसकी हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज एग्जिस्ट कर रही हो एंड हु ऑल्सो प्लेसेस द नीड ऑफ हिज और हर क्लाइंट फर्स्ट, यानी कि अपनी क्लाइंट की नीड को पहले सामने रखे और क्लाइंट की नीड को उसी के हिसाब से आगे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लाइंट नीड्स को लेकर आए और उसी क्लाइंट नीड्स के हिसाब से ही उसे मेजर करे और मेजर करके आगे लेकर
राइट, तो इसका मतलब क्या है, द एजेंट शुड बी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट होना जरूरी है विद अ हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी उसके पास डिग्री ऑफ क्या होनी चाहिए, नॉलेज दैट इज टेक्निकल नॉलेज दैट इज हाई इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक सर्टन पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंश्योरेंस में, एंड हु ऑल्सो प्लेसेस नीड ऑफ हिज और हर क्लाइंट, यानी कि उसका टेक्निकल नॉलेज किसी पर्टिकुलर एरिया का हो और अपनी नीड ऑफ क्लाइंट को वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे कि ये हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जिस्ट कर रही है. नाउ देयर एग्जिस्ट अ क्लेम सेटलमेंट, कि क्लेम्स को हमने किस तरह से सेटल आउट करना है और किस तरह से क्लेम सेटल होके हमारे पास आगे आते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लेम सेटलमेंट इंक्लूड्स, सबसे पहले क्या चीज आती है क्लेम सेटलमेंट के अंदर, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ कवर्ड लॉस. किसकी वेरिफिकेशन करें, कितनी वेरिफिकेशन करें ऑफ कवर्ड लॉस, के हमारे पास कवर्ड लॉस कितना है, कि कितनी अमाउंट का हमारे पास लॉस को हमने कवरेज प्रोवाइड की है, यानी हाउ मच कवरेज इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ कवर्ड लॉस. फेयर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ क्लेम्स, कि हम लोग फेयर पेमेंट ऑफ क्लेम्स करें और फॉरन पेमेंट ऑफ क्लेम्स करें, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट करें कि हमारे पास आए, यानी कि फेयर भी हो यानी एग्जैक्ट अमाउंट हो और प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ क्लेम्स हो, कि पेमेंट ऑफ क्लेम्स जो होंगे वो प्रॉम्प्ट हो. पर्सनल असिस्टेंस टू बी इंश्योर्ड, कि पर्सनल असिस्टेंस को भी हम लोग इंश्योर कर रहे होंगे, तो दैट मीन्स फेयर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ क्लेम्स पर्सनल असिस्टेंस टू द इंश्योर्ड, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट भी हम प्रोवाइड करें टू द इंश्योर्ड. सम लॉ प्रोहिबिट्स अनफेयर क्लेम प्रैक्टिसेस सच एज, कौन कौन से अनफेयर क्लेम्स प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, रिफ्यूजिंग टू पे क्लेम्स विदाउट कंडक्टिंग अ रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन, यानी हम ये रिफ्यूज कर दें कि हम प्ले कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, कि जिसे हम पता भी है कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन फिर भी कह रहे हैं नाइन वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी क्लेम, हम किसी तरह का भी क्लेम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, यानी किसी तरह का भी क्लेम नहीं देंगे. नॉट अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट फेयर एंड इक्विटेबल एट सेटलमेंट, यानी प्रॉम्प्ट फेयर एंड इक्विटेबल सेटलमेंट्स को पेपर हम लोग प्रोवाइड प्रॉम्प्ट कर ही नहीं रहे, यानी कि फॉरन हम लोग उसकी पेमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे. एंड ऑफरिंग लोअर सेटलमेंट्स टू कंपेल इंश्योर्ड टू इंस्टीट्यूट लॉ सूट टू रिकवर अमाउंट ड्यू, यानी ऑफर लोअर सेटलमेंट्स टू कंपेल इंश्योर्ड टू इंस्टीट्यूट लॉ सूट टू रिकवर ड्यू, यानी कि आप कहें कि जानबूझ के आप उसकी लोअर सेटलमेंट दें ताकि वो अपने आप को इंश्योर्ड को इंस्टीट्यूट लॉ सूट को वो रिकवरी करे द अमाउंट दैट इज ड्यू, कि जितनी अमाउंट वो उसकी ड्यू है उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चले कि दैट इज अमाउंट दैट इज बीइंग ड्यू. तो दैट मींस ऑफरिंग लोअर सेटलमेंट्स टू कंपेल इंश्योर्ड टू इंस्टीट्यूट लॉ सूट टू रिकवर द अमाउंट ड्यू, कि जितनी अमाउंट रहेगी उतनी सारी की उसकी क्या कर रहे हैं हम रिकवरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, कि ये दैट इज बीइंग आवर रिकवरी और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर जा रहे हैं, कि दैट इज आवर ऑफरिंग्स ऑफ लोअर सेटलमेंट्स टू कंपेल इंश्योर्ड टू इंस्टीट्यूट लॉ सूट टू रिकवर अमाउंट ड्यू, कि हम लोग ताकि रिकवर कर सकें कितनी अमाउंट हमारे पास ड्यू है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चले, ये हमारे पास इतनी अमाउंट है जो हमारे पास ड्यू है. तो दैट मीन्स दैट हाउ वी डू द क्लेम सेटलमेंट, कि ये हम किसकी बात करें, कि जब हमने क्लेम्स की सेटलमेंट की बात करनी, कि व्हेन वी आर गोइंग टू सेटल द क्लेम्स और क्लेम्स हमने किस तरह से और कैसे सेटल आउट करने हैं, कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू सेटल आउट द क्लेम्स. द क्लेम प्रोसेस बिगिंस विद अ नोटिस ऑफ लॉस, कि नोटिस ऑफ लॉस सबसे पहले फर्निश किए जाते हैं, एंड नोटिस ऑफ लॉस के बाद नेक्स्ट क्लेम इज इन्वेस्टिगेटेड, कि सबसे पहले आपने क्लेम्स लॉस किया और लॉस के बाद क्लेम्स एग्जिस्ट करके, यानी कि दैट इज द क्लेम इज इन्वेस्टिगेटेड, द क्लेम एडजस्टर डिटरमिन इफ द कवर्ड लॉस हैज अकर्ड एंड द अमाउंट ऑफ लॉस इज देयर, यानी कि द क्लेम इज इन्वेस्टिगेटेड, यानी क्लेम को हमने इन्वेस्टिगेट किया है और हमारे पास अमाउंट ऑफ लॉस इज बीइंग देयर, कि यानी हमारे पास ये हमारे पास लॉस आ रहा है That is being investigated, कि ये हम लोग उसे investigate करें. The claim adjuster determines if covered loss has occurred and the amount of loss, यानी कि कितनी amount का loss हो चुका है and how much amount is there और कितनी coverage आपने provide करनी. For example, if there is any car accident, तो सबसे पहले क्या करेगा, car को देखेंगे, they inspect a car और उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे हाँ जी 20,000 का लॉस है, 40,000 का लॉस है या कितने टाइम्स का लॉस है, और उसी लॉसेस को आगे लेकर वो चल रहा है, यानी दैट इज बेस्ड ऑन कि हमारे कितने लॉसेस को सामने रख के आगे चलना है. द एडजस्टर मे रिक्वायर अ प्रूफ ऑफ लॉस बिफोर द क्लेम इज पेड, यानी एडजस्टर मे रिक्वायर अ प्रूफ ऑफ लॉस, यानी कि जो एडजस्ट करेगा उसे रिक्वायर चाहिए प्रूफ ऑफ लॉस की, कि हमारे पास हाँ जी इतना लॉस हो चुका है बिफोर द क्लेम इज बीइंग पेड, के बिफोर पेमेंट ऑफ क्लेम हमारे पास इतना लॉस आ चुका है, इतना लॉस हमारे पास आ चुका है. द एडजस्टर डिसाइड इफ द क्लेम शुड बी डिनाइड, यानी एडजस्टर फिर डिसाइड करेगा कि वेदर द क्लेम शुड बी डिनाइड, और वो भी किसी सर्टन वैलिड बैकग्राउंड्स के ऊपर, किसी सर्टन अमाउंट के बैकग्राउंड्स के ऊपर ही ये डिसाइड होगा कि वो वाकई में डिनाई कर दिया जाए और किन रीजंस की बेसिस पे डिनाई किया जाए और किन वजूहात से वो डिजाइन वो क्या नाम है उसे डिनाई किया जाए. सो दैट मींस दैट जस्ट डिसाइड इफ द क्लेम शुड बी पेड और डिनाइड, कि यानी कि हमें क्लेम को पे करना चाहिए या उसे डिनाई कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ अंडर योर कवरेज, ये कवरेज के अंदर नहीं आ रहा.
पॉलिसी प्रोविजंस एड्रेस हाउ डिस्प्यूट में बी रिजॉल्व, यानी पॉलिसी प्रोविजंस क्या है एड्रेस करते हैं, द पॉलिसी प्रोविजन एड्रेस हाउ डिस्प्यूट में बी रिजॉल्व, कि ये डिस्प्यूट कैसे किस तरह से रिजॉल्व होना चाहिए इन द लाइट ऑफ पॉलिसी, के पॉलिसी की राइट में ये किस तरह से हमारे पास इशू को रिजॉल्व होना चाहिए और किस तरह से रिजॉल्व होकर हमारे पास आना चाहिए, दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी प्रोविजंस, के पॉलिसी में किस किस तरह की प्रोविजंस हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू ऑन द पॉलिसी प्रोविजंस, कि हम लोग पॉलिसी प्रोविजंस के हिसाब से उसे रिजॉल्व करेंगे और उसे रिजॉल्व करके आगे लेकर आएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस प्रोविजंस, कैसे प्रोविजंस को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. Now the next thing that we come in the mind is the reinsurance. Reinsurance is an arrangement by which the primary insurer that initially writes the insurance transfer to another insurer parts or all of the potential loss, yani ki ek insurer dusre insurer ko wo sara ka sara transfer kar deta hai potential loss associated with such insurance, ke jo kuch bhi isse associated hai wo sara ka sara potential loss associated with such insurance, ke wo isi such insurance ke hisab se use potential loss ke hisab se hi change aa raha hota hai. The primary insurance is a ceding company. Kya hoga primary insurer ko kya kahenge, that is known to be as a सीडी कंपनी, यानी कि सीडिंग कंपनी हमारे पास जो इसने स्टार्ट में इनिशियली अंडरराइट किया होगा, दैट इज नोन टू बी एज अ सीडिंग कंपनी. क्या कहेंगे उसे हम, सीडिंग कंपनी. द इंश्योरर दैट एक्सेप्ट द इंश्योरेंस फ्रॉम द सीडिंग कंपनी इज रीइंश्योरर, कि जो इंश्योर्ड इंश्योरेंस एक्सेप्ट करेगा सीडिंग कंपनी से उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज रीइंश्योरर, कि ये रीइंश्योरर हमारे पास आ रहा है और उसी रीइंश्योरेंस के हिसाब से हम आगे लेकर इसे चल रहे हैं. The retention is the amount of insurance retained by a ceding company. The retention limit kya hai? Is the amount of insurance retained by ceding company. Ab zaruri nahi ki sari ki sari ceding company insurance jo hai wo apni transfer kar de. Zaruri nahi hai ki wo sara foreign hi wahan se transfer kare. So that means ki thodi si insurance jo hai wo ceding company mein bhi apne paas rakhe. वो क्या करे, वो अपने पास इसकी इंश्योरेंस रखे और उसी के हिसाब से उसे रिटेंशन की तरफ लेकर जाए. तो दैट मींस रिटेंशन तब होती है जब व्हेन देयर इन्वॉल्व अ सीडिंग कंपनी, के यहां पे हमारे पास क्या चीज आएगी, सीडिंग कंपनीज एग्जिस्ट कर रही होंगी और कुछ इंश्योरेंस वो अपने पास रखे और जितनी लिमिट है उसकी रिटेंशन की वो अपने पास ही रिटेन करे, बाकी सारा कुछ वो आगे री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर आउट कर दे. और री इंश्योरेंस को ट्रांसफर आउट करेगा, दैट मीन्स इट बींग ऑन द सीडिंग कंपनी. द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस सीडेड टू अ री इंश्योरेंस इज नोन एज सेशन. अब ये देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस सीडेड टू री इंश्योरर, की जितनी हमारे पास इंश्योरेंस ट्रांसफर की गई है टू री इंश्योरेंस, तो याद रखिएगा दैट इज नोन टू बी एज अ सेशंस. क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ सेशंस आएंगे, सेशंस कहेंगे उसे और सेशंस के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे. सो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस सीडेड टू द इंश्योरर इज नोन एज सेशन, की जितनी भी अमाउंट सीड हुई है दैट इज नोन टू बी एज अ सेशन, और सेशंस ही को कहते हैं हम दैट इज नोन टू बी एज अ इंश्योरर्स, की ये हमारे पास इंश्योरर्स हैं जिसके हिसाब से हम ये सेशंस को आगे लेकर चल रहे हैं, कि दैट इज नोन टू बी एज आर सेशंस, और उसी के हिसाब से आगे चल रहे हैं. तो दैट मींस के वी रिक्वायर दैट इज वन सीडिंग कंपनी दैट इज ट्रांसफर टू रीइंश्योरर एंड दैट अमाउंट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज नोन टू बी एज अ सेशन, कि उस अमाउंट को क्या कहेंगे, दैट इज नोन टू बी एज अ सेशंस, कि ये हमारे पास सेशंस हैं और सेशंस के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं, कि ये हमारे पास इतनी अमाउंट आ रही है. नाउ द रीइंश्योरेंस इज यूज्ड टू, पहला काम क्या है, री इंश्योरेंस इज यूज टू इंक्रीज अंडरराइटिंग कैपेसिटी. पहला काम क्या होगा री इंश्योरेंस का, अंडरराइटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इतनी इंश्योरेंस की हैं कि मैं अपनी लिमिट पे पहुंच गया हूं. कहां पहुंच गया मैं अपनी लिमिट पे, सपोज माय लिमिट इज 100 करोड़, और पता का 100 करोड़ की इंश्योरेंस इश्यू कर दी. नाउ इफ आई गॉट सम अदर क्लाइंट्स मोर, मैं उनकी इंश्योरेंस को कैसे अकोमोडेट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले री इंश्योरर को ढूंढूंगा और सारा अपना थोड़ा सा लॉस उसे ट्रांसफर करूंगा, ताकि मेरे पास कुछ चीजें एम्प्टी हो जाए. क्या हो जाए, मेरे पास कुछ चीज एम्प्टी हो जाए, और कुछ चीजें जब एम्प्टी हो जाएंगी तो तब उसके बाद हम कहेंगे कि दैट मींस इट इज बीइंग सीडेड और इट वुड बी अंडरराइटेड. क्या चीज आएगी हमारे पास, अंडरराइटिंग आएगी, और उसके बाद जो ट्रांसफर करेंगे वो सेशन ट्रांसफर होगा, तो उतनी हमारे पास स्पेस ओपन हो जाएगी, सो दैट वी कैन अकोमोडेट आवर न्यू क्लाइंट्स, कि हम लोग अपनी न्यू क्लाइंट्स को अकोमोडेट करें, और न्यू क्लाइंट्स को जैसे भी अकोमोडेट करेंगे दैट वी आर गोइंग टू सी कि हम लोगों ने इसे किस तरह से आगे लेकर चलना है और कैसे उसे हमने आगे लाकर देखना है. तो दैट मींस हमने सबसे पहले देखना है कि हमने अंडरराइटिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, कि कितनी हम लोग अपनी कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट समथिंग टू द रीइंश्योरर्स. किसको ट्रांसफर कर रहे होंगे हम, रीइंश्योरर को ट्रांसफर कर रहे होंगे, कि हमने किस तरह से उसे रीइंश्योरर को ट्रांसफर करनी है. और सेकंड वन इज टू स्टेबलाइज द प्रॉफिट. क्या करना है, हमने प्रॉफिट को स्टेबलाइज करना है, कि हमारे पास हां जी इतना प्रॉफिट आ चुका है और इसी प्रॉफिट के हिसाब से हमने इसे स्टेबलाइज भी करना है.
रिड्यूस द अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व, कि उन रिजर्व को भी रिड्यूस करना है जो अनअर्न्ड है, जिसके लिए अभी हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, जिसके लिए अभी तक हमने वैल्यूज प्रोवाइड नहीं किए हैं. That means we have to reduce the unearned premium reserve. कि जितने भी हमारे पास premium reserve हैं, उनमें से unearned को हमने separate करना है. That means we are going to reduce unearned premium reserves. कि हम लोग unearned जो premium reserves हैं, उनको जरा सा reduce करेंगे. The unearned premium reserves represents the unearned portion of gross premium on all outstanding policies. जितनी आप policies हैं, उन पे premium मिल रहा है. क्या आपने उसके अगेंस्ट services provide कर दी? नहीं. तो इसका मतलब है, जब तक वो है, that means it is known to be as a unearned premium. क्या कहेंगे उसे हम? कि ये हमारा किसका part है? That is of unearned premium reserves. कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा? That is known to be as our unearned premium reserve. कि ये हमारे पास unearned premium reserves के अंदर आएगा. Provides protection against the catastrophic losses. किसके against protection loss बताएगा? That is against the catastrophic losses के against. कि ये हमारे पास एक तरह से catastrophic losses के against protection provide करेगा. कि हाँ जी, इतनी इतनी protection हमारे पास आ चुकी है और उसी के हिसाब से हम आगे लेकर चल रहे हैं. That means we are going to protect against the catastrophic losses. कि हमारे पास क्या आ रही? Protection provide कर रहे हैं against the catastrophic losses. कि हमारे पास इतने हमारे पास catastrophic losses exist कर रहे हैं. यानी ये हमारे पास हैं that is known to be as a catastrophes. क्या कहेंगे इसे हम? Catastrophes हैं. Retire from business or from line of insurance territory. यानी retire from business or from a line of insurance or territory. कि जब हम retire करते हैं from a business or from the line of insurance or territory, कि जब हम उसे retire भी कर रहे हो, तो that means we are going to reinsurance को उसके लिए use किया जाएगा when we are going to retire from business, यानी उस business से हम अलग हो रहे हो. Obtain underwriting advice on a line for which the insurance has little experience. ये आपको underwriting advices भी provide करता है reinsurer, कि जहां पे पता है कि insurer है little experience, कि जो insurer है उसके पास इतना experience नहीं है और वो उसका experience को completely identify नहीं कर सकता. तो that means obtain underwriting advice on a line for which insurer has little experience. क्या होगा? Insurer के पास क्या है? That is of little experience. कि उनके पास कम experience है जो exist कर रहा है. That means we are obtaining underwriting advice. यानी क्या कर रहे हैं हम? Underwriting advice on the line for which the insurer has little experience. कि insurer के पास क्या है? That is being of the little experience. कि उनके पास इतना experience exist नहीं कर रहा. तो that means obtains underwriting advice on a line for which insurer has the little experience. कि insurer doesn't have much more experience. तो that means we are going to seek underwriting advice advice on a line for which insurer has little experience. कि जब experience नहीं है, तो जारी बात है insurer अपनी services provide करता है and that provide the advices towards the underwriting. के underwriting की advices भी हमें बताता है. Type of reinsurance agreements कौन-कौन से होते हैं? There are two principal form of reinsurances. कौन-कौन सी होती हैं? Facultative reinsurance and treaty reinsurance. कौन कौन सी होती है? Facultative reinsurance and treaty reinsurance. कि facultative reinsurance कौन सी होती है and treaty reinsurance कौन कौन सी होती है? Is an optional case by case method. अब ये क्या है? Facultative reinsurance के case by case method, that is when the ceding company receives an application for insurance that exceeds its retention limit. कि यानी कि ये optional है. यानी facultative जो principal form of reinsurance है, कि that is optional and depends case by case. अगर सीडिंग कंपनी के पास कोई ऐसा केस आया जो आपकी रिटेंशन लिमिट से ऊपर है, तो देन इट वुड कांटेक्ट द रिटेंशन रीइंश्योरेंस. फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस की तरफ कांटेक्ट करेगा, यानी रीइंश्योरेंस की तरफ हम जाएंगे. फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस इज ऑफन यूज्ड व्हेन प्राइमरी इंश्योरेंस हैज एन एप्लीकेशन फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. फैकल्टी इंश्योरेंस तभी चाहिए होती है जब आपके पास प्राइमरी इंश्योरर के पास एक ऐसी एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरेंस है जो उसकी लिमिट से बाहर है, एंड दैट रिक्वायर्ड सर्टन मच मोर अदर थिंग्स टू बी मेजर्ड. कि बहुत सारी और चीजों को मेजरमेंट रिक्वायर्ड है. तो इस केस में हम क्या करेंगे? दैट वी रिक्वायर अ फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस. कि हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होगी? फैकल्टेटिव reinsurance required होगी. और जितनी भी facultative reinsurance है, उसी के हिसाब से हमने देखना है कि whether we require reinsurance or not. Treaty reinsurance means the primary insurer has agreed to cede insurance. Means क्या मतलब? Primary insurance जो है वो agree कर गया to cede insurance to the reinsurer and the reinsurer has agreed to accept the business. यानी कि primary insurer जो है वो cede करने को तैयार भी है as a reinsurer और reinsurer ने accept भी कर ली है in the form of that business. यानी business की form में उसने ये चीज accept भी कर ली that it would be the reinsurance that we require. कि इतनी हमें reinsurance required है और reinsurance के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. कि that means that much is being required as a reinsurance. कि हमें इतनी reinsurance उसके ऊपर required है.
all businesses that fall within the scope of agreement, जितने ही businesses agreement के scope के अंदर lie कर रहे हैं, is automatically reinsured. क्या करते हैं वो? Automatically reinsured according to the terms of treaty. कि वो automatically reinsured हो जाते हैं according to the terms of treaty. कि जितनी भी हमारे पास term of treaty है, उसके हिसाब से वो automatically reinsured हो जाते हैं. यानी वो automatically reinsurance नजर आना शुरू हो जाती है कि हाँ जी इतनी हमारे पास reinsurance है that exist. ये हमारे पास reinsurances हैं जो नजर आ रही हैं. All businesses that fall within the scope of agreement, कि जो जो lie कर रहा है within the scope of agreement is automatically reinsured. क्या होता है वो? Automatically reinsured हो जाता है according to the terms of treaty. कि वो जैसी भी treaty होती है उसी के हिसाब से होता है. यानी कि जैसी scope of agreement में आया वो और खुद बखुद insured हो गया under the treaty. यानी automatically agreement में है कि automatically जो भी आएगा that is being reinsured under the treaty. कि जितनी हमारे पास treaty आ रही है उसी के हिसाब से वो क्या होगा? That is being reinsured. कि ये reinsurance उसी के हिसाब से चल रही होगी on the basis of their treaty. के जैसे वो treaty है वैसे ही वो work कर रही है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. मेथड्स ऑफ शेयरिंग लॉसेस, के शेयरिंग लॉसेस के मेथड्स कौन कौन से हैं और किस किस तरह से शेयरिंग ऑफ लॉस करनी. देयर आर टू बेसिक मेथड्स ऑफ शेयरिंग लॉसेस. कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला यूजिंग प्रोरेटा मेथड, यूजिंग एक्सेस मेथड, कोटा शेयर ट्रीटी, सरप्लस शेयर ट्रीटी एंड एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी. दीज आर द ट्रीटीज फॉर द शेयरिंग ऑफ द लॉसेस. के लॉसेस को हमने कैसे और किस तरह से शेयर आउट करना है और उनको शेयर करने की क्या रीजंस हैं. फर्स्ट बात करते हैं प्रोरेटा मेथड, वेयर द सीडिंग कंपनी एंड रीइंश्योर एग्री टू शेयर लॉसेस एंड प्रीमियम बेस्ड ऑन सम प्रोपोर्शन. कि जहां पे सीडिंग कंपनी और रीइंश्योर दोनों आपस में एग्री करते हैं या एक सर्टन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ जी इतने परसेंट और इतने परसेंट वी आर गोइंग टू शेयर द लॉसेज. यानी शेयर और लॉसेज उसी हिसाब से होंगे. एंड सेम गोज विद द प्रीमियम, कि प्रीमियम भी हमारे सामने इसी तरह से ग्रो करेगा और इसी तरह से हमारे सामने आएगा. तो दैट मीन्स वी हैव टू एग्री शेयर लॉसेज एंड प्रीमियम बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन. कि जो भी प्रीमियम है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन. कि ये हमारे पास प्रीमियम है और ये प्रोपोर्शन पे आ रहा है. अंडर द एक्सेस मेथड, कौन सा मेथड आ गया? अंडर द एक्सेस मेथड वेयर द इंश्योरेंस इंश्योरर पेज ओनली व्हेन कवर्ड लॉसेज एक्सीड्स अ सर्टेन लेवल. कि जहां पे री इंश्योरर पे तब कर रहा होता है व्हेन कवर्ड लॉसेज एक्सीड सर्टेन लेवल. कि आपने कवर्ड लॉसेस का एक सर्टन लेवल डिफाइन किया होता है कि जब इससे एक्सीड करेगा तो तब आपको रीइंश्योरर पे करेगा, अदरवाइज उसमें रीइंश्योरर पे नहीं करेगा. कि या यानी किन बेसिस पे वो पे करेगा, दैट इज नोन टू बी एज अ एक्सेस मेथड. क्या कहेंगे हम? एक्सेस मेथड है कि व्हेन रीइंश्योरर पे अ सर्टन पे ओनली व्हेन द कवर्ड लॉसेस एक्सीड्स अ सर्टन लेवल. यानी कवर्ड लॉसेस जो है वो एक सर्टन लेवल से एक्सीड कर जाए, सर्टन लेवल से बढ़ जाए. यूजिंग कोटा शेयरिंग ट्रीटी. अब क्या रहा है? यूजिंग अंडर कोटा शेयरिंग ट्रीटी द सीडिंग इंश्योरर एंड द रीइंश्योरर एग्रीज टू शेयर प्रीमियम्स एंड लॉसेस बेस्ड ऑन सम प्रोपोर्शन. यानी कोटा शेयरिंग में क्या होता है? द सीडिंग इंश्योरर एंड द इंश्योरर एग्री टू शेयर प्रीमियम एंड लॉसेस बेस्ड ऑन सम प्रोपोर्शन. यहां पे भी आपका ऑलरेडी कोटा डिफाइंड होता है. यानी दिस इज आर कोटा और उसी कोटे की बेस पे आप इसमें वैल्यूएशंस कर रहे होते हैं. कि दैट इज नोन टू बी एज अ कोटा शेयर ट्रीटी. क्या कहते हैं उसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ कोटा शेयर ट्रीटी. एंड द सीडिंग इंश्योरर एंड द रीइंश्योरर एग्रीज टू शेयर प्रीमियम एंड लॉसेस बेस्ड ऑन सेम सम प्रोपोर्शन. यानी शेयर और लॉसेस भी हो रहे होते हैं और प्रीमियम्स भी बेस्ड ऑन सम प्रोपोर्शन. की कुछ प्रोपोर्शंस की बेस पे ये आपस में प्रोपोर्शन पे ये एग्री कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही होती हैं. अंडर अ सरप्लस शेयर ट्रीटी, कौन सी आ गई ट्रीटी अब? अंडर अ सरप्लस शेयर ट्रीटी, कि जितनी हमारे पास सरप्लस शेयर है उसकी ट्रीटी आ गई है. द इंश्योरर एग्रीज टू एक्सेप्ट इंश्योरेंस इन एक्सेस ऑफ द सीडिंग इंश्योरर रिटेंशन लिमिट. यानी कि री इंश्योरर एग्रीज टू एक्सेप्ट इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ द सीडर्स इंश्योरर रिटेंशन लिमिट. कि जो उसकी लिमिट है उतना वो इंश्योरर अपने पास ही रखे, जो उससे अबव है वो सारा का सारा वहां पे री इंश्योरर अपनी तरफ करेगा. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेशन. सेशन की फॉर्म में वो अपनी तरफ कर रहा होगा अप टू सम मैक्सिमम अमाउंट. जिसके लिए एक सर्टन मैक्सिमम अमाउंट है उस मैक्सिमम अमाउंट तक वो उसे लेकर जाएगा. दैट इज अप टू सम मैक्सिमम अमाउंट. द एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी इज डिजाइंड फॉर कैटास्ट्रोफिक प्रोडक्शन. यानी द एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी क्या होगी? इज डिजाइंड फॉर कैटास्ट्रोफिक प्रोडक्शन. यानी हमारे पास एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी में क्या आएगा? इज डिजाइंड फॉर कैटास्ट्रोफिक प्रोडक्शन. यानी कि हमें पता हो कि हाँ जी इतना लॉस होना है लेकिन लॉस इससे कहीं ज्यादा हो गया, तो दैट मीन एक्सेस ऑफ लॉस के लिए भी हम किसकी तरफ जाएंगे? दैट इज ऑफ रीइंश्योरर. किसकी तरफ जा रहे हैं हम? रीइंश्योरर की तरफ जा रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि हाँ जी रीइंश्योरेंस किस लेवल तक जाएगी और कैसे होगी. यानी कि वी आर गोइंग टू सी के रीइंश्योरेंस कहां तक जा रही है और कैसे
जा रही है. द री इंश्योरेंस पूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरर दैट अंडरराइट्स इंश्योरेंस ऑन अ जॉइंट बेसिस. यानी री इंश्योरेंस पूल क्या है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंश्योरर्स. ये ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरर्स की दैट अंडरराइट्स इंश्योरेंस ऑन जॉइंट बेसिस, जो क्या करता है, अंडरराइट कर रहा होता है इंश्योरेंस ऑन जॉइंट बेसिस की. ये हमारे पास अंडरराइटिंग ऑफ द इंश्योरेंस ऑन जॉइंट बेसिस की, जॉइंट बेसिस में ये आपको अंडरराइट कर रहे हैं कि दैट इज हाउ दैट इज बीइंग underwritten, कि ये हमारे पास underwritten है और इसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. That means that is an organization and insurer of insurers that underwrites insurance on joint basis, कि underwrite कर रहा है insurance को, यानी scrutiny कर रहा है insurance को on a joint basis. किस basis पे कर रहा है, on the joint basis, कि जितनी भी joint basis है उसी की basis पे वो उसे underwrite कर रहा है on the joint basis. Now there is a reinsurance alternatives. कौन कौन से alternatives हैं जो reinsurance के exist कर रहे हैं. Some insurance use capital market as an alternative to traditional reinsurance. कि some insurers क्या करते हैं, capital market को use करते हैं as an alternative to reinsurer. यानी जो traditional reinsurer है उसका alternative क्या है, that we go with the capital market. किसी तरफ जा रहे होंगे हम, capital markets की तरफ जा रहे होंगे. Securitization of risk means that an insurable risk is transferred to capital market. यानी securitization of risk का मतलब है means an insurable risk is transferred to capital market. कि जितना हमने insurance लेनी थी risk की, वो transfer हो गया towards the capital market. Through the creation of financial instrument. किसके through? Through the creation of financial instrument. के जो हम लोग financial instrument लेते हैं और उसी की वजह से वो transfer हो गए capital markets में और वहीं से insurable risk भी हमारे सामने आ गए. और such as future contract. These are the type of securitization. कि हम उसे securitize कर रहे हैं. यानी insurable risk is transferred to a capital market through creation of instrument like a future contract. के insurance of कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और उसी के हिसाब से हम इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल्स को आगे लेकर चल रहे हैं. कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स आर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दैट परमिट द इश्यूअर ऑफ अ बॉन्ड टू स्केप और रिड्यूस इंटरेस्ट पेमेंट इफ कैटास्ट्रोफिक लॉस अकर. यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जो परमिट करता है इश्यूअर को कि वो बॉन्ड को स्किप कर जाए और टू रिड्यूस द इंटरेस्ट पेमेंट. या तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस भी कर सकता है या स्किप कर सकता है इफ देयर इज एनी कैटास्ट्रोफिक लॉस अकर. से कोई भी कैटास्ट्रोफिक लॉस आएगा उसमें वो ऑटोमेटिकली लॉस अकर हो जाएगा और वो उसमें से शेयर करेगा. कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स आर ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एंड आर नाउ कंसिडर्ड बाय मेनी ऑफ द स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्स. यानी कि बहुत ज्यादा इंप्रूव करके इंपॉर्टेंस आ गई है एंड दैट इज आवर स्टैंडर्ड सप्लीमेंट टू ट्रेडिशनल री इंश्योरेंस. यानी कि दीज आर द सप्लीमेंट्स फॉर द ट्रेडिशनल री इंश्योरेंस. जितने भी री इंश्योरेंस है उसी के हिसाब से इसके सप्लीमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि दैट मीन्स दीज आर बींग सप्लाइड. तो दैट मीन्स कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स आर ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एंड आर नाउ कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी स्टैंडर्ड सप्लीमेंट टू द ट्रेडिशनल reinsurance के. ट्रेडिशनल reinsurance के लिए उसके supplements की तरफ जा रहे हैं कि how they are being supplements are being moved and how they are being maintained. Now we are moving towards the investments. के investments क्या हैं और कैसे होती हैं. देखें when we talk about investments, so it's normal that you are investing in some stock market or capital market. किसमें आ रही है, stock market में आ रही है और capital market में आ रही है. In any one of them, so that means stock market भी exist कर सकता है और capital markets भी exist कर सकती है. On both cases, these are being attained और उसी के हिसाब से हम उसे देख रहे हैं. Because premiums are paid in advance, they can be invested until ready to play game. अब देखें मैंने तो यहाँ पे सबसे premium ले लिया, हर एक से premium मिल रहा, अब क्या उसे तिजोरी में तो नहीं रखेंगे. तो आपने कहा why not, why should invest it, जब तक इसका कोई क्लेम नहीं आता. तो वो उठाए गए प्रीमियम और सारे के सारे प्रीमियम जो है वो इन्वेस्ट कर दिए गए. क्या कर दिए गए, वो इन्वेस्ट कर दिए गए और ताकि नीडेड टू प्ले क्लेम्स के क्लेम्स को दें और एक्सपेंसेस को. यानी क्लेम्स भी आ जाएंगे और एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे. इन्वेस्टमेंट इनकम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब क्या कह रहा है वो, इन्वेस्टमेंट इनकम इज extremely important in reducing the cost of insurance. कि investment income बहुत important है in reducing the cost of insurance. किसको reduce करने के लिए, cost of insurance to policy. कि जितने भी हमारे पास cost of insurance है उसी के हिसाब से policy owners है and offsetting unfavorable underwriting experience. जो हमारे पास क्या होगा, offset करेगा unfavorable underwriting experience. अब गौर देखें, investment income is extremely important in reducing cost of insurance. कि जितनी investment income आई है वो आपकी cost of insurance को reduce करती है to policy owner, के जिन्होंने policy owner रखी होती है and offset the unfavorable writing experience. और साथ ही वो offset कर देते हैं unfavorable writing experience को, कि हमारे पास writing experience इतना है and that is being unfavorable. Life insurance contracts are long term, thus safety of principal is primary consideration. यानी इसके यहाँ पे क्या हो गया, for the long term पे होती है
Life insurance contracts are long term, thus safety of principal is primary condition. कि ये long term होते हैं तो इसीलिए हमें safety of principal, यानी principal की safety की तरफ ज़्यादा ध्यान चाहिए and that requires a primary consideration कि ये किसी तरफ जाना चाहिए primary consideration में. In contrast to life insurance, किससे contrast में? In contrast to life insurance, property insurance contract and short-term in nature and claims payment very widely depending on catastrophic losses and inflation medical costs. यानी कि हर चीज उसी पे dependent आ रही है कि हमारे पास catastrophic losses क्या हैं और उसी के हिसाब से हमारे पास losses किस तरह से generate हो रहे हैं. So that means in contrast to life insurance, property insurance considered are short-term in nature and claims payments are very, very made depending on the catastrophic losses, inflation and मेडिकल कॉस्ट. यानी कि ये तीनों चारों चीजें हैं जो कैटास्ट्रोफिक लॉसेस की तरफ लेकर जाती हैं, दैट आर बेस्ड ऑन योर इक्विपमेंट और दैट आर बेस्ड ऑन योर वैल्यूज. नाउ इस एग्जिबिट देखिए, ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरर ऑफ एसेट, एसेट की लाइफ इंश्योरर है. अब यहां पे क्या है, दैट इज ऑफ डॉलर बिलियंस. ये क्या आ रहा है हमारे पास, डॉलर बिलियंस, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, ईयर्स है. तो यहां पे हमारे पास क्या रहा है, लाइफ इंश्योरर एसेट्स कितने हैं. पहले कितना लाइफ इंश्योरर एसेट्स का, 1 मिलियन, देन 1.3 है, एंड देन 1.5 एंड देन 1.2 है. तो दैट मींस 1.04, 1.30, 1.5, 1.839 टू 1.44. यानी कि ये सारी हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एसेट्स, कि जिनके एसेट्स में ग्रोथ आ रही है. कि पहले हमारे पास 1.044 पे गया, यानी अब देखिए आखिर में कहां पे रुका है वो, 5.092 पे. किधर पे रुका है वो, 5.092 पे, कि हमारे पास इतनी वैल्यूएशंस आ चुकी हैं और इतनी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं. तो दैट मींस के 1500, 1839, 2144 यानी 2144, 2579, 3071, 3269, 3887, 4482 एंड 5092. कितना आ रहा है, 5092. सो दैट मींस दीज आर द ग्रोथ ऑन द लाइफ इंश्योरेंस. ये लाइफ इंश्योरेंस की ग्रोथ में नजर आ रहा है कि दैट वी रिक्वायर दिस मच ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कि हमें इतनी लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है. बिकॉज इन लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड विद इट बिकॉज एंड दिस इज फ्रॉम द 1987 टू 2007. कब से कब तक है, दैट इज 1987 टू 2007. दैट इज ऑलमोस्ट राउंड अबाउट अ, that is how much, that is almost of 20 years difference. कितना आ रहे हैं, 20 years को हमने यहाँ पे plot किया है, 20 years के differences को हम यहाँ पे देख रहे हैं. So that how the growth of life insurer asset would be seen, कि life insurer of asset would be seen, कि हमारे पास इतना seen है जो exist करता है. Asset distribution of life insurer, कि ऐसे distribution कैसे होती है life insurers में, कि ऐसे life insurers क्या चाह रहे हैं और ऐसे distribution हमारे पास कैसे आ रही है. जनरल अकाउंट कितना है, स्टॉक 4.7%. अब यहां क्या कह रहे हैं वो, स्टॉक्स 4.7%, मॉर्गेज 10% एंड पॉलिसी लोन्स 3.6% एंड मिसलिनियस एसेट 9.3%. कितना आ रहा है मिसलिनियस एसेट, दैट इज ऑफ 9.3% के हमारे पास इतनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और इतनी हमारे पास वैल्यूएशंस रिक्वायर्ड है. दैट मीन मिसलिनियस, पॉलिसी लोन, मॉर्गेज, मॉर्गेज एंड रियल एस्टेट 10% एंड स्टॉक्स आर द 4.7%. सो दैट मींस के हमारे पास इससे डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस कितना है इन द फॉर्म ऑफ 2007. इन 2007 में इसका स्पैन कुछ इस तरह का था. इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस, या क्या क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस 2007, इन्वेस्टमेंट बाय टाइप. यानी कि ये हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉवर्टी कैजुअलिटी इंश्योरर्स, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैजुअलिटी एंड इंश्योरर, कि ये हमारे पास किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं. तो दैट मींस कि यहाँ पे भी अगेन देखें तो प्रॉपर्टीज जो है वो बॉन्ड्स की आ रही हैं या रियल एस्टेट की आ रही हैं, या रियल एस्टेट्स के साथ साथ आगे भी आ रही है. यानी रियल एस्टेट 0.75% है, प्रेफर्ड स्टॉक 1.52% है, अदर 6.96% है, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 7.11% है, कॉमन स्टॉक 17.68% है. नाउ द सोर्स इज द नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग इंश्योरेंस कमीशन एनुअल स्टेटमेंट डेटाबेस वाया हाईलाइट डेटा LLC copyright information. No poor of this work may be copied or redistributed without the express written omission of a highlinked data. LCC excerpt from Insurance Information Institute. यानी कि हमारे पास excerpt in the Insurance Information Institute. यानी this is the source from where this is being putted and that is being identified. अदर इंश्योरेंस कंपनी फंक्शंस, कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनी के अदर फंक्शंस होते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एरिया, द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एरिया मेंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीमियम.
क्या करते हैं वो इंश्योरेंस ऑफ प्रीमियम रखते हैं, लॉस रेशियोज की बात करते हैं, लॉस रेशियोज कौन कौन सी हैं, एंड इन्वेस्टमेंट एंड अंडरराइटिंग रिजल्ट्स के हमारे पास इन्वेस्टमेंट और अंडरराइटिंग रिजल्ट्स के क्या रिजल्ट्स आएंगे. दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एरिया मेंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन प्रीमियम. क्या करते हैं वो ऑन प्रीमियम्स क्लेम्स एंड लॉस रेशियोज, यानी क्लेम्स लॉस रेशियो इन्वेस्टमेंट एंड अंडरराइटिंग रिजल्ट्स, यानी कि ये सारे क्या हैं दैट आर बेस्ड ऑन अंडरराइटिंग रिजल्ट्स के हमारे पास अंडरराइटिंग के रिजल्ट्स इतने हैं और ऐसे आ रहे हैं. द लीगल द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेवलप्स बजट. द अकाउंटिंग डेवलपमेंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेवलप्स बजट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं अकाउंटिंग में और उसी के हिसाब से हमारे बजट्स भी डेवलप हो रहे होते हैं कि हमारे पास हाँ जी इतने बजट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और इतने बजट्स ही हमारे पास आगे लेकर चल रहे हैं. एंड इन द लीगल डिपार्टमेंट अटॉर्नीज आर यूज्ड इन एडवांस्ड अंडरराइटिंग, यानी क्या कर रहे हैं वो दैट इज देयर, यानी कि हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे इन एन लीगल डिपार्टमेंट अटॉर्नीज आर यूज्ड इन एडवांस अंडरराइटिंग, यानी अटॉर्नीज क्या होंगे हमारे पास एडवांस अंडरराइटिंग को यूज करेंगे एंड रियल स्टेट प्लानिंग, और साथ ही क्या करेंगे हम रियल स्टेट प्लानिंग. इन द लीगल डिपार्टमेंट अटॉर्नीज आर यूज्ड इन एडवांस अंडरराइटिंग एंड एस्टिमेट्स एंड स्टेट्स प्लानिंग, यानी कि क्या कह रहे हैं वो इन लीगल डिपार्टमेंट द अटॉर्नीज आर यूज्ड इन एडवांस अंडरराइटिंग एंड स्टेट्स प्लानिंग, यानी एडवांस अंडरराइटिंग के लिए रखा जाता है और साथ ही प्लेन्स के लिए भी रखा जाता है कि हमारे पास कितनी हमारे पास चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. तो दैट मींस यूज फॉर अंडरराइटिंग एंड स्टेट प्लानिंग, यानी जारी बात है बहुत छोटा तो अंडरराइटिंग तो नहीं है बट देयर एग्जिस्ट अ स्टेट प्लानिंग, क्या कहेंगे हम दैट इज नोन टू बी एज आर स्टेट प्लानिंग. प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड न्यूमरस लॉस कंट्रोल. अब यहाँ पे क्या कर रहा है प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंसेस, प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंसेस प्रोवाइड न्यूमरस लॉस कंट्रोल सर्विसेज, के न्यूमरस लॉस कंट्रोल सर्विसेज हैं. तो दैट मींस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड्स न्यूमरस लॉस कंट्रोल सर्विसेज, कि देयर आर डिफरेंट लॉस सर्विसेज दैट वुड एग्जिस्ट. द नेचर ऑफ इंश्योरेंस, किसी तरफ आ रहे हैं हम नेचर ऑफ इंश्योरेंस के, नेचर ऑफ इंश्योरेंस क्या है और किस तरह से ये वर्कआउट करती है. इंश्योरेंस इन्वॉल्व नॉट ओनली रिस्क ट्रांसफर बट ऑल्सो पूलिंग एंड रिडक्शन. किसमें कह रहे हैं नॉट ओनली रिस्क ट्रांसफर बट ऑल्सो पूलिंग एंड रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन पूलिंग द शेयरिंग ऑफ टोटल एसेट अमंग अ ग्रुप. रिस्क रिडक्शन अ डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, डिक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द पब्लिक सिचुएशन. So that means that is the decrease in total amount of uncertainty present in particular situation. That means an insurer accomplish this by combining the group of objects situated so that aggregate losses become predictable with narrow limits. Yani ke original programs jo aggregate losses hain that become predictable within the narrow limits. Overall risk for the group is reduced. Yani ke group ka risk jo hai wo reduce ho gaya and the losses that results are pooled. Yani ke usually through the payment of insurance premium. Ke insurance premium se payment kiya to insurance premium se ho jata hai. So insured transfer various risks to the group. Yani ke insurer transfers various risks. बहुत सारे रिस्क होते हैं टू द ग्रुप, यानी ग्रुप को बहुत सारी ये रिस्क प्रोवाइड करते हैं. एंड एंगेज अ पोटेंशियली लार्ज अनसर्टेन लॉसेस एंड मे एंगेज पोटेंशियली इन अ लार्ज सर्टेन लॉसेस फॉर द रिलेटिवली स्मॉल सेंटर पेमेंट. किसी तरफ जा रहे हैं फॉर रिलेटिवली स्मॉल सेंटर पेमेंट, यानी स्मॉल सेंटर पेमेंट की तरफ जा रही है. तो दैट मीन्स कि हम लोग कहेंगे क्या यहाँ पे इंडीड इंश्योरेंस वेरियस ट्रांसफर्स फॉर टू द बुक एंड द एक्सचेंज अ पोटेंशियली लार्ज अनसर्टेन लॉस फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल सर्टेन पेमेंट, यानी कि अनसर्टेन लॉस ज्यादा है सिमिलर दैट विद अ सर्टेन पेमेंट कि मे बी देर वुड बी अ मोर डिफरेंट बिहेवियर्स ओवर द मार्केट. The nature of insurance, gambling and insurance are the exact opposites. Gambling creates new risk whereas more excited before. Insurance is the method of eliminating or greatly reducing an already existing risk or greatly reducing all standing risk. The insurance is usually implemented through legal contract. The insurance is usually implemented through legal contract or policy. Insurer promises to reimburse the insured फॉर द लॉस सफर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, के लॉस सफर हो रहा है ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में, तो दैट मीन्स कि ये दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. इम्प्लिसिट इज द अजम्पशन दैट इंश्योरेंस बी एबल टू पे वट एवर लॉसेज में अकर, यानी कि हमारे पास इतने पैसे होंगे वट एवर द लॉस वुड बी अकर वी शुड कवर इट अप. Importance to consider the financial conditions of insurance. कि हमने क्या किया importance consider की है financial condition of the insurer की, insurance की final condition को separate किया है. Principle of indemnity, one of the most important precept from many types of insurance, particularly property insurance. This the insured may not be collect more than actual loss. Actual loss se zyada nahi collect kar sakta. In the event of damage cost,
by perils, serve to control moral hazards that might serve to control the moral hazards that might otherwise exist. कि यानी कि moral hazards को भी control करता है that may exist. Indemnify to restore insured to the institution that extends that existed prior to loss. यानी कि to restore insured to the education with the existence prior to the loss. Likelihood of intentional loss is greatly reduced. The principal indemnity, typically contained within the property insurance contract, are clause regarding the existence of insurance, shows cause before, provide that all policies covering the same losses will share losses that occur. Some expansions to the application of a principle of indemnity and provides insurance. So that means appropriate way to measure insurance is and appropriate way of it to towards the losses. कि losses की तरफ हम इसे लेकर जा रहे हैं. So that means कि value policy laws आ रहे हैं. किसी तरफ आ रहे हैं हम value policy law हैं. And insurer must pay the entire face amount of a fire insurance policy in the event of total loss. कि जैसी total loss होगा तो वो entire amount pay होगी for the total losses. Usually not applicable in the field of life insurance. कि ये चीज life insurance में applicable नहीं होती. No attempt is made to measure the amount of loss. कोई amount of loss को measure करने के लिए there would be no attempt. When the insurer dies, the full amount of life insurance is paid and the full amount of life insurance need to be paid. कितनी हमारे पास life insurance है. Then principle of insurable interest holds that then insured must demonstrate personal loss or else to enable the collect amount due which a loss caused by a insured peril occurs. If the insured could collect without having an insurable interest, a moral hazard would exist. कि there exist a moral hazards necessary to prevent insurance from becoming a gambling contract. यानी कि prevent insurance करेंगे for becoming gambling contract. Necessary to remove possible incentives for murder. के possible incentive for murder क्या हैं और कितने हैं. What constitute the insurable interest? The legal owner of a property having its value diminished by loss. कि यानी जो owner of property है जिसे पता है कि उसकी value decrease कर रही है उसके asset की. Other right exists that are sufficient to the asset. यानी कि कुछ ऐसे भी rights हैं that are sufficient to asset and insurable interest is in addition to the ownership. The holder of the contract to receive royalty, like legal liability resulting from contract, secured creditors and building contractors. These are the things for that required for the ownership. What constitute insurable interest? Always presume to exist the life insurance of a person who voluntarily insure their own life. कि आप अपनी life को खुद insure करें. However, some who purchase life insurance on another life must have been insurable interest on that person's life. For instance, a businessman may insure that the life of a key employee, यानी कि आराम से life of a key employee वो बता सकता है. The husband may insure the life of his wife, यानी husband भी life of wife को insure कर सकता है. There's a practical limit to the amount of life insurance on individual may obtain, कि इतना individual में obtain हो सकता है. When the insurable interest must exist, यानी कब insurance exist करेगा. In property and liability insurance, it is possible to affect coverage on per property in which the insured does not have an insurable interest at the time of policy is written. However, such interest is expected to be future. Court generally holds that property insurance insurable interest need exist only at the time of loss and not at the inception of a policy. However, at the first time of loss, the insured no longer has an interest in the property, there is no liability under the policy. Koi liability under the policy nahi hoti. When insurable interest may exist in life insurance, the general rule is that insurable interest must exist at the inception of policy. यानी insurable interest उसी time आए जिस time policy आई है. It is not necessary at the time of loss. कि जरूरी नहीं कि वो loss के time पे ये. Court view a life insurance as a investment contract. ये क्या है हमारे लिए as a investment contract है. And then the principle of subrogations are there. कि how we are going to subrogate the principles grows out a principle of indemnity. One who has indemnified another loss is entitled to recovery from a reliable third party who are responsible. That is subrogation. Reasons क्या हैं? To reinforce the principle of indemnity. क्या कर सकते हैं? Reinforce करना है principle of indemnity. To prevent the insured from collecting more than actual amount of losses. यानी actual amount of losses से ज़्यादा की बात कर रहे हैं. Keeping insurance premium below and they would as what they would otherwise. यानी कि आपने insurance premium low रखें. Burden of loss is more nearly placed to shoulder of those responsible. The party that caused the loss is held financially accountable for this action. कि वो उसे accountable करेंगे.
exceptions of a principle of subrogation. Subrogation normally does not exist in line, in such line as life insurance and most of the health insurance. Subrogation does not give the insurer right to collect against the insured, yani ke insured se use right bhi nahi deta, even if the insured is negligent. It is uncommon for a insurer to waive rights to of subrogation, ke wo waive nahi kar sakta subrogation ka right under certain some circumstances where by doing so there is no violation of the principle of indemnity. Ki koi bhi principle of indemnity nahi break hota. The waiver can be performed by inserting a waiver of subrogation clause. Some clauses are common, kuch clauses common hai. The insurer who act in such way as to destroy or reduce the value of insurer rights, the subrogation violate the provisions, ki provisions violate ho jati. Insurer subrogation rights also cannot be avoided by a settlement between the primary parties after the insurer has paid under the policy, ki policy ke andar jo pay kiya hua hai. The insurer is entitled to subrogation only after the insured has been fully indemnified. If the insurer has borne part of the loss, insurer may claim recovery only if after these costs has been paid, ki sari jitni cost hai unki pay kar di gayi hai. So that's the end of the lecture number 11. What we have studied is how the insurance companies operate, what are the operations of the insurance companies, and this subject chapter is not completed yet. Inshallah, in the next lecture we are going to complete this chapter. So that is the end of the lecture number 11. Allah Hafiz.